Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 7, Permutation, Combination and Probability. Aur exercise humne start ki hui hai, exercise number 7.8, jo ki last exercise hai is chapter ki. Exercise 7.8. Aur ye exercise 7.8 ka part number 3 hai. ठीक है, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर लिए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखूंगा, टू कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ are drawn in such a way that the card is replaced after the first draw. ठीक है, ये तो हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग केसेस. यानी कि हमें नीचे दो केसेस दिए हुए हैं, ठीक है, उन केसेस के अकॉर्डिंग हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है. और वो केसेस कौन कौन से हैं? एक केस तो ये है के फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड इज क्वीन. ठीक है, और सेकंड केस है हमारे पास both the cards are faced cards. कौन कौन से? That is king, queen या फिर jack. अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन है जी, टू कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आर ड्रॉन. 52 प्लेइंग कार्ड्स, आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में, ठीक है, उसमें से टू कार्ड जो है वो ड्रॉ किए गए, निकाले गए, ठीक है. किस तरह से निकाले गए? इन सच अ वे दैट द कार्ड इज रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ. यानी कि एक कार्ड हमने निकाला तो उसको वापस रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, ठीक है. तो इस तरह से ड्रॉ किए, ये नहीं कि एक कार्ड निकाल लिया उसको बाहर रहने दिया और फिर दूसरा कार्ड बाकी कार्ड्स में से निकाला, वो केस नहीं है. ये केस ये है कि हमने एक कार्ड निकाला 52 कार्ड्स में से, ठीक है, उसको देखा कौन सा कार्ड है और फिर उसको वापस रख दिया, दोबारा से वो 52 हो गए, ठीक है, और उन 52 में से दोबारा एक और कार्ड निकाल के देखा, यानी कि वो सेकेंड कार्ड हम कहते हैं कि सेकेंड ड्रॉ है, ठीक है. फर्स्ट ड्रॉ हमने किया, उसके बाद सेकंड ड्रॉ के लिए हमने पहले कार्ड फर्स्ट ड्रॉ वाले कार्ड को रिप्लेस किया, ठीक है, रिप्लेस करके फिर हमने जो है उसको 52 बना दिया, कार्ड्स बना दिया, 52 कार्ड्स का डेक, ठीक है, और उन 52 कार्ड्स में से हमने जो है सेकंड ड्रॉ किया. तो ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन गिवन है. तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज इन द फॉलोइंग केस, ठीक है, इन द फॉलोइंग केसेस. दो केसेस हमें दिए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए सेम है, ठीक है, और केसेस दो डिफरेंट हैं. एक केस में कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग, ठीक है, पहला कार्ड किंग है एंड द सेकंड इज क्वीन. यानी कि दो कार्ड्स की बात हो रही है ना, फर्स्ट कार्ड हमने निकाला तो वो किंग निकल आया, ठीक है, और सेकंड कार्ड किंग को फिर हमने वापस रखा, ठीक है, कार्ड्स में, और सेकंड ड्रॉ किया तो वो क्वीन निकलाया. इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, फाइंड करनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा फर्स्ट कार्ड जो फर्स्ट ड्रॉ होगा वो किंग कार्ड हो
और फिर हम उसको वापस रखें, और फिर सेकंड ड्रॉ जो होगा हमारा वो क्वीन कार्ड हो, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो चलें पहले हम जो है फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस किस तरह से आती है? सैम्पल स्पेस देखें, आप जितने कार्ड्स हैं आपके पास, अगर एक ड्रॉ की बात करें ना, आप ड्रॉ में कितने में से कार्ड निकालना है, एक डेक में से निकालना है एक कार्ड, ठीक है। और डेक में कितने टोटल कार्ड हैं? 52। 52 में से कोई एक भी आ सकता है आपके हाथ में कार्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? 52 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं, सिंस देयर आर 52 कार्ड, सिंस देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो हमारे पास NFS जो है सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो 52 ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ही बनती हैं 52, ठीक है। तो NFS हमारे पास आ चुका है। अब हमने इवेंट को देखना है, हमारा जो फोकस कहाँ पर है। फोकस आप देखें, फोकस इसी पार्ट पे है कि फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकेंड कार्ड इज क्वीन, ठीक है। तो हम इसको जो है दो तरह से लेकर चलते हैं, एक को इवेंट ए, किंग के लिए हम जो है ए कह देते हैं, ठीक है, इवेंट ए, और क्वीन के लिए हम इवेंट बी कह देते हैं, ठीक है। तो तब इसको हम इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि इफ़ ए, साथ में लिख भी देता हूँ ना, इफ़ ए डिनोट्स द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड इज अ किंग, and B denotes the event that the second card is queen, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ से आप देखें, ए किसको डिनोट कर रहा है, द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड इज किंग, किंग कार्ड्स। अब हमने देखना है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी कि हम जो है इन 52 कार्ड में से एक हमने कार्ड निकाला, उसके तो चलें 52 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, लेकिन कितने पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं कि वो किंग ही निकलेगा। टोटल किंग कितने हैं इसका हमें पता होना चाहिए। अब जिनको कार्ड्स आते हैं खेलने, ठीक है, या कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वही ये बता सकते हैं। तो मैं आपको चलें बता देता हूँ कि 4 किंग होते हैं इसमें, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स एक केस में कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है। तो फिर हम एन ऑफ ए कह सकते हैं, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और इसी तरह से जो है बी किसको डिनोट कर रहा है, बी डिनोट कर रहा है द इवेंट दैट द सेकंड कार्ड इज अ क्वीन, ठीक है। सेकंड कार्ड भी हमने 52 कार्ड में से निकालना है, क्योंकि ए को हमने निकाला, वापस हमने रिप्लेस किया, बाकी दोबारा से वो 52 कार्ड बन गए, ठीक है। और 52 कार्ड में से हमने दोबारा से विड्रॉ करना है, ठीक है, और विड्रॉ करके हमारे पास क्वीन आएगा। ये कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्वीन कार्ड कितने होते हैं उन 52 कार्ड्स में से, क्वीन कार्ड्स कितने होंगे, वो भी 4 होते हैं, ठीक है। तो एन ऑफ बी भी हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इनकी हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेते हैं अलहदा अलहदा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, और सैम्पल स्पेस के हमने देख लिया है एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52 है, 4 डिवाइडेड बाई 52 बन गया। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट 4 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो हमारे पास 1/13 बन जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/13, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/13, ठीक है। तो अब हमने देखना था, अब दोबारा से हम देखते हैं अपना जो पार्ट है, फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड पार्ट इज क्वीन। उसने ये नहीं कहा कि लहदा लहदा फाइंड करो, उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि पहला कार्ड किंग है और दूसरा कार्ड क्वीन है,
यानी कि दोनों की इकट्ठी हमने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है। इकट्ठी फाइंड करने का मतलब है प्रोडक्ट यानी कि प्रॉबिलिटीज़ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फाइंड करनी है, यानी कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमें पता है प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं 1/13 है, और इसी तरह से प्रॉबिलिटी ऑफ बी भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो भी 1/13 है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो रिजल्ट बनता है 1/169, जो कि इक्वल किसके है, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या चीज़ है, फर्स्ट कार्ड द प्रॉबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकेंड कार्ड इज क्वीन, क्योंकि ए रिप्रेजेंट कर रहा है किंग को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है क्वीन को। ठीक है, क्वीन यानी गॉकरोने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया। चलें अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा गया है इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वही है। ठीक है, टू कार्ड्स जो हैं वो 52 प्लेइंग कार्ड में से ड्रॉ करने हैं। तो ड्रॉ ऐसे करने के, पहला कार्ड हमने ड्रॉ किया तो फिर रिप्लेस कर दिया, फिर दोबारा 52 कार्ड्स बन गए। ठीक है, 52 कार्ड्स का डेक बन गया। यानी कि मैं आपको ये चलें ये समझा ही देता हूँ कि हमारे पास जो है इस तरह से कार्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, बल्कि मैं ये करता हूँ, थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास आप देखें, ये सपोज़ किया कि ये डेक ऑफ कार्ड्स हैं। ठीक है, ये इसमें 52 कार्ड्स पड़े हुए हैं। इस तरह से मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ ताकि लगे हैं बी के ये 52 कार्ड्स हैं। इस तरह से ये 52 कार्ड्स हैं सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 52 कार्ड्स हैं। तो अब इसमें से हमने जो है एक कार्ड जो है विड्रॉ कर लिया, फर्स्ट कार्ड मैंने यहाँ पे कहता हूँ कि चलें मैंने विड्रॉ कर लिया। ये एक कार्ड जो है वो मेरे पास आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे करके, ये एक कार्ड हमने इसमें से विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद मैं देखा कि ये कौन सा कार्ड है, किंग है। ठीक है, तो अब जो है मैंने दोबारा से कार्ड वो इसमें रिप्लेस कर दिया, तो ये दोबारा से 52 कार्ड्स बन गए। ठीक है, 52 कार्ड ये थे पहले। ठीक है, इसमें से हमने जब एक विड्रॉ किया तो ये 51 रह गए। ठीक है, 51 रह गए ना। अब एक ड्रॉ तो हो गया, फर्स्ट ड्रॉ, इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट ड्रॉ, ये फर्स्ट ड्रॉ हो गया। अब क्या है, अब हमने सेकंड ड्रॉ करना है, उससे पहले मैं इसको रिप्लेस करूँगा। इसको मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया तो ये दोबारा से 52 कार्ड्स हो गए। अभी हमने सेकंड ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट ड्रॉ के बाद मैंने रिप्लेस कर दिया तो ये हमारे पास बन गए 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स के बाद मैंने फिर से सेकंड ड्रॉ करना है। ठीक है, सेकंड ड्रॉ जब मैं करूंगा इसमें फिर 51 कार्ड्स रह जाएंगे और ये हो गया सेकंड ड्रॉ, ये सेकंड ड्रॉ हो गया। ठीक है, इस तरह से होगा, यानी कि हमने दोबारा से 52 कार्ड में से निकाले हैं। तो ये समझने के लिए मैंने आपको किया है ताकि आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि रिप्लेसमेंट किस चीज़ को कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है बोथ द कार्ड्स आर फेस्ड कार्ड दैट इज किंग क्वीन एंड जैक। ठीक है, हमने अब प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों कार्ड जो हमने ड्रॉ करने हैं वो क्या हों, फेस्ड कार्ड्स हों, जैसे कि किंग क्वीन
या फिर जैक, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो किंग के लिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि दो कार्ड्स हैं ना, तो एक को हम K1 कह देते हैं इवेंट और K2 कह देते हैं, ठीक है। लेट K1 एंड K2 डिनोट द इवेंट्स, डिनोट द इवेंट्स दैट द फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकेंड कार्ड इज आल्सो किंग, यानी कि फर्स्ट कार्ड हम देख रहे हैं ना, तो दोनों किंग हों उसकी क्या प्रॉबिलिटी है, यानी कि दोनों फर्स्ट ड्रॉ में भी किंग निकले, सेकेंड ड्रॉ में भी जो है वो किंग निकले, इस चीज़ की हमने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, चलें वो इसका मतलब क्या है, प्रॉबिलिटी ऑफ के वन इंटरसेक्शन के टू, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ऑब्वियसली फार्मूला में पता है प्रॉबिलिटी ऑफ के वन इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ के टू के इक्वल आएगा, ठीक है। और हमें प्रॉबिलिटी ऑफ के वन किंग, अब देखें किंग हमारे पास जो है इसकी प्रॉबिलिटी किस तरह से हम निकाल सकते हैं, एन ऑफ ए हम अगर कहें के एन ऑफ के वन, एन ऑफ के वन डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, और इनटू एन ऑफ के टू डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब इसमें आप देखें एन ऑफ के वन किस तरह से आएगा, आप देखें एन ऑफ के वन किसके इक्वल होता है, एन ऑफ के वन है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फोकस हमारा किस पे है, किंग पे। तो किंग कितने कार्ड्स होते हैं, चार होते हैं, ठीक है। तो चार ही पॉसिबिलिटीज बनती है ना, फेवरेबल आउटकम्स हमारी चार ही बनेंगी, मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं फोर डिवाइडेड बाय एन एफ एस जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, ठीक है, यानी कि 52 कार्ड्स, 4 डिवाइड बाय 52 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। तो ये बनता है 1/169, इतनी प्रॉबिलिटी बनती है कि हमारे दोनों ड्रॉज में किंग ही कार्ड आएंगे दोनों, ठीक है। तो ये हो गया, उसके अलावा हमें क्या कहा गया, किंग के अलावा, किंग के अलावा कहा गया है क्वीन, क्वीन का भी ये हिसाब होगा, ठीक है, जैक, जैक का भी यही हिसाब होगा, बल्कि चलें हम लिख देते हैं। तो क्वीन, चलें मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ कि लेट क्यू वन एंड क्यू टू डिनोट्स द इवेंट that first card is queen and second card is queen, first card भी queen है and second card is also queen, ठीक है, first card भी queen है और second card भी queen है। तो हम ऐसा करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है क्योंकि क्वीन भी चार ही होती हैं, ठीक है, क्वीन कार्ड्स भी चार ही होते हैं। तो यहाँ से हम उसकी प्रॉबिलिटी, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ क्यू वन इंटरसेक्शन क्यू टू, ये फाइंड करना चाह रहे हैं, वो किसके इक्वल है, प्रॉबिलिटी ऑफ क्यू वन इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ क्यू टू, तो ये भी उसी के इक्वल आएगा, यानी कि 1/169 के इक्वल आ गया प्रॉबिलिटी ऑफ क्यू वन इंटरसेक्शन क्यू टू। अच्छा, उसके अलावा हमें कहा गया कि जैक, किंग क्वीन एंड जैक, ठीक है। अब जैक, हम जैक भी चार ही होते हैं, तो यहाँ से हम प्रॉबिलिटी ऑफ जे वन इंटरसेक्शन जे टू फाइंड करना चाहेंगे, वो भी 1/169 आएगा क्योंकि वो भी चार होते हैं, ठीक है, सेम केसेस हैं तीनों के। तो अब हमने जो है एक साथ में, अकेले अकेले अलग अलग नहीं फाइंड करना था, हमने तो एक साथ में फाइंड करना था, यानी कि हमने फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, मैथमेटिकली लिखता हूँ, प्रॉबिलिटी ऑफ के वन इंटरसेक्शन ऑफ के टू प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ क्यू वन इंटरसेक्शन ऑफ क्यू टू प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ जे वन इंटरसेक्शन ऑफ जे टू, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब कि 1/169 प्लस 1/169
प्लस 1 ओवर 169, ये तीनों ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ जाएगा सेकंड पार्ट का, जो कि 3 ओवर 169 आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट है सेकंड पार्ट का। तो ये हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर था 6। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसको हमने पहले क्वेश्चन को समझा फिर उसके सोल्यूशन को देखा। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम जो है इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम अप हो गया। ठीक है, इस चीज़ का, इस लेक्चर का। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया जाए।